हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, वर्तमान समय के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे कल जुड़े हैं जो अग्निपथ और अग्निवीर जो 14 जून को है जो सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया सेना को सशक्त बनाने के लिए उसका जो प्रतिक्रिया है दोस्तों है जो राज्य के कम से कम 12 से 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर है जो हिंसात्मक स्थिति के रूप में है जो वहां पर है जो राष्ट्र की संपत्ति के जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही है। तो यहाँ हम इतना कह सकते हैं दोस्तों कि ये राष्ट्र अपना राष्ट्र है, इसे संरक्षित सुरक्षित करना है जो आपका आस्था है, निश्चित रूप से है जो राष्ट्र के प्रति है जो आपकी आस्था है जो सकारात्मक रूप में होनी चाहिए। और जानते हैं दोस्तों कि आपका परम कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि राष्ट्र की संपत्ति को सुरक्षा करना है जो आप मौलिक कर्तव्य के रूप में है, जो आप जानते हैं कि आपको है जो राष्ट्र की जो है संपत्ति की सुरक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। तो आपसे निवेदन है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो अग्निपथ से रिलेटेड जो युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, कम से कम अपने कर्तव्य को है जो जरूर निभाएं, राष्ट्र की संपत्ति को बचाएं। जरूर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसे है जो सरकार है जो निश्चित रूप से दूर करेगी। हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या कठिनाइयां हैं, क्या है जो सरकार इसे और करना चाहिए। कल रात के 10 बजे है जो सरकार की तरफ से इसमें है जो कुछ संशोधन भी किए गए, मिथ बनाम तथ्य का है जो एक है जो शीर्षक में प्रकाशित किया गया, मिथ बनाम तथ्य। तथ्य है जो दोस्तों है जो सरकार ने कहा कि है जो कुछ मिथक कुछ गलत प्रवृत्तियां हैं जो लोगों के बीच है जो फैल गई है, उसे जो दूर करना है जो सरकार का है परम कर्तव्य है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जरूर उठेंगे दोस्तों इस योजना के प्रति, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, लोगों के बीच जो जरूर शेयर करें। क्या है दोस्तों संशोधन, क्या किया गया कि एक साल के लिए जो अग्निपथ का सेकंड लेक्चर है दोस्तों, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लेक्चर है, इसमें है जो क्या होना चाहिए, आज इसका 2.0 जो है लेक्चर्स का नाम हम दिए हैं अग्निपथ 2.0। इसमें जो दोस्तों सरकार ने जो चेंजिंग किया है कि 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया, एक वर्ष के लिए है जो 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष एज कर दिया। दोस्तों सरकार को अभी है जो यह निर्णय है जो लेना चाहिए था कि इससे हम है जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रख रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हमें जो 23 वर्ष तक है जो करने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में तो सरकार को इस तरह का निर्णय लेना चाहिए था। दूसरी चीज है कि दोस्तों जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो भारतीय सेना है जो करीब करीब 12 लाख की सेना है और हर साल है जो दोस्तों 60,000 से लेकर 65,000 भारतीय सेना से रिटायर होते हैं और उतना ही है उसमें ऐड किया जाता है। पिछले 2 साल कोविड से है जो दोस्तों है जो ये प्रोग्राम नहीं चल पाया था, जिसके कारण सरकार ने 23 वर्ष करने का जो प्रावधान लाया था। कुछ सवाल है दोस्तों कि आखिर है जो इस योजना में जो क्या होना चाहिए, क्या कमियां है, हम कमियां को है जो गिनाने का प्रयास करेंगे। सकारात्मक चीज है उसको है जो भी हम ऑलरेडी है जो पिछले वीडियो में बताए हैं, नकारात्मकता इसमें जो दिखाई दे रही है उसके बारे में बात करेंगे। क्या सेना भर्ती संविदा के रूप में हो जाएगी, संविदा के रूप में हो जाएगी जो 4 साल का जो बॉन्ड है दोस्तों ये है जो संविदा के रूप में हो जाएगी। दूसरा चीज की दोस्तों जो सेना भर्ती में जो 4 साल का जो प्रावधान रखा गया है उसमें है जो 25% और 75% का जो रेशियो है वो है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं है जो ये समस्या आ रही है कि जो 25% है वो है जो कहीं ना कहीं है जो भ्रष्टाचार के भेंट में न चल जाए, ये है जो बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। 25% जो रेगुलर करने की बात है वो है जो भ्रष्टाचार के कारण है जो सेना में है जो उसकी जो दाग है जो कहीं ना कहीं है जो लग सकती है, क्योंकि 25% जो नियमित करने की जो बात की गई है उसमें अगर अपने राष्ट्र के प्रति अगर उनकी है जो दृढ़ता नहीं हो और ये है जो ऑफिसर्स के प्रति अगर ज्यादा दृढ़ता हो जाएगी
तो है जो 25% है जो, और 25% ही नहीं इसमें टोटल 100% है जो इसमें है जो इस तरह के जो समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 25% ही है जो इसमें है जो नियमित रूप से हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों कि जो वर्तमान जो भारतीय सेना है बहुत ही मजबूत सेना है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत ने जो सैन्य पराक्रम जो दिखाया है 62 में 65 में 71 में 99 में उसकी सोच को कभी भूला नहीं जा सकता है। हमें अग्निवीरों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, अग्निवीर को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब वो निकलेंगे, मान लीजिए कि कोई 17 वर्ष में भर्ती हो गया, 18 वर्ष में हो गया, 19 वर्ष में हो गया, 20 वर्ष और 21 वर्ष में, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो 21 से और 25 के बीच का ये जो गैप है इसको है जो सरकार कैसे भरेगी, ये है जो लोगों के बीच है जो इस तरह से जो जागरूकता फैलानी चाहिए कि आपके लिए सभी विकल्प है जो खुले हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे वो राज्य पुलिस बल हो, चाहे अन्य बल हो, चाहे और डिपार्टमेंट्स हो, यहां पर उनको है जो कहीं ना कहीं जो कोटा निर्धारित करने की जरूरत है दोस्तों। सरकार को इसके है जो निश्चित रूप से है जो ध्यान देने की जरूरत है। हम अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं दोस्तों, हमें है जो राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है वो है कहीं ना कहीं है जो अपनी देश को आगे बढ़ाना और हमारी है जो सीमा की सुरक्षा है एक सकारात्मक वे में हो, उसको लेकर भी है जो दोस्तों है चिंता का विषय है जो जरूर है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि सरकार को इसमें है जो क्या करना चाहिए, कहा जा रहा है कि एक किंडर आर्मी के रूप में है जो तब्दील हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये धीरे धीरे है जो अग्निवीरों की संख्या है जो बढ़ती चली जाएगी। प्रशिक्षण का जो समय है वो है जो मात्र 6 महीना का रखा गया है, सेना 6 माह/44 माह जो नियमित रूप से है उनको 44 माह का ट्रेनिंग और ये 6 माह का ट्रेनिंग है जो उनको है जो दिया जाएगा, तो एक किंडर आर्मी के रूप में है जो कहीं ना कहीं जो तब्दील ना हो जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों आगे है जो आने वाला में एक हो सकता है। दूसरी चीज कि अगर हम बात करें दोस्तों कि जो 4 वर्ष का जो उनकी जो सर्विस पीरियड है, 4 वर्ष की सर्विस पीरियड है तो उनके कुछ छुट्टियां भी है जो उनमें है जो दिया जाएगा, कुछ ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर मान लीजिए कि 6 महीना अगर उनकी ट्रेनिंग है, अगर छुट्टी है जो प्रति साल सेना में जो नियम है रूल्स है कि 90 डेज का है छुट्टी है जो रहता है, अगर मान लीजिए इसमें कुछ संशोधन भी होता है तो 6 की 9 महीना अगर फर्स्ट साल अगर निकाल दिया जाए तो आपके पास जो मात्र 3 साल का समय बचता है, और 3 साल में भी है जो आपकी छुट्टियां अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो दोस्तों करीब करीब अगर 2 साल से ज्यादा है जो वो है जॉब नहीं कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो स्किल्स की कमी है जो इसमें है जो दिखाई पड़ रही है, क्षमतावान है जो हमारा जो आर्मी जो है अग्निवीर है जो नहीं बन पाएंगे, ये तथ्य है। इस चीज को है जो या तो टाइम पीरियड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस इतिहास में भी देखते हैं दोस्तों कि सेना के जवान जब लड़ते हैं तो उनकी जज्बा जो होती है वो एक एक्सपीरियंस से पूरी भरी हुई जज्बा होती है, तो ये 2 सालों की जो सर्विस उनकी रहेगी वो 2 सालों की सर्विस में कहीं ना कहीं जो अक्षमता पान के रूप में भी है जो देखा जा सकता है। दूसरी चीज ये जो बजट पे जो प्रभाव जो पड़ रहा है, कह रहा है कि भारतीय सेना को है जो युवा सेना के रूप में तब्दील करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप युवा सेना के रूप में तब्दील कीजिए, आप है जो युवा सेना के रूप में है जो आप उसको तब्दील कीजिए। आप कह रहे हैं कि अभी 32 वर्ष है जो एवरेज एज है जो 32 वर्ष है और हमें है जो इसको 26 वर्ष पे है जो करना है, 26 वर्ष पे करना है, तो एक उपाय यह नहीं हो सकता है कि आप 4 वर्ष की सर्विस देकर है जो युवा सेना को बना लें। हमें क्वालिटी की जरूरत होती है, क्वांटिटी से नहीं होता है, सेना जो होती है दोस्तों वो क्वालिटी बेस्ड
मैनेजमेंट के रूप में काम करती है, क्वालिटी क्वालिटी बेस्ड पे जो काम करती है। तो हमें क्वालिटी बेस्ड पे जो ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, हमें क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है, क्वांटिटी बचाने की जरूरत नहीं है। हमें दक्ष सेना की जरूरत है। दक्ष सेना जब कब होगा दोस्तों, जब उसको प्रॉपर है जो 44 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तब है उसको दक्ष सेना के रूप में जाना जाएगा। आपके पास एक रिजर्व सेना होती है, पिटोरियल आर्मी होता है, एनसीसी होते हैं, तो आप एक रास्ता निकाल सकते थे कि जो एनसीसी किए हुए हैं उनको है जो हर स्कूलों में उसको है जो लागू करना होगा, और उसमें है जो काम करने के बाद आप जो ट्रेनिंग लेते हैं आप वहां पर है जो ट्रेनिंग का है जो व्यवस्था कीजिए, और उस ट्रेनिंग के बाद जो उनको जो छूट दी जाती है सेना में, उनको नियमित भर्ती में है जो उनको है जो छूट दी जाती है उनको है जो आप और बढ़ा सकते हैं। आपकी दोनों काम है जो हो जाएगी। आपका जो युवा है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, 8th, 9th, 10th क्लास में पढ़ते हैं, उनकी है जो जज्बा वहीं से बनेगी कि हमें है जो हमें अगर एनसीसी में अगर इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें है जो और है जो बेहतर करना है, तो हमें है जो यहीं से है जो अपनी रास्ता को चूज करना होगा। कुछ एक्स सर्विस मैन की है जो व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें युवा को संरक्षण करना है, युवा की जो स्थिति है उसे है जो संरक्षण करके हमें जो देश के भविष्य में है जो उसे यूज करना है, या तो सेना के क्षेत्र में यूज किया जाए आगे ले जाकर, या किसी अन्य क्षेत्र में है जो यूज किया जाए। तो है जो हमें है जो क्वालिटी बेस्ड है जो सेना की है जो जरूरत है, और हमारा आर्मी इतना दक्ष है, इतना पावरफुल है कि देश के जो सीमाओं की रक्षा करने की जो उनकी जो जज्बा है वो है जो एक नए रूप में है देखने को मिलती है। हमने है जो इसका उदाहरण है दोस्तों है जो 62, 65, 71, 99 बहुत सारे ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन बालाकोट हुआ, म्यांमार की सीमा पर हुआ, उसमें है जो हमारी सेना ने जो दक्षता दिखाया है वह वास्तविक है जो उनको है जो सैल्यूट करने लायक है। तो कुछ इस तरह की है जो व्यवस्थाओं से आगे बढ़ना होगा भारतीय सेना को। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बातों को एकेडमिक माध्यम से जो आपके पास पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से है जो इसमें संशोधन की जरूरत है। देश के विभिन्न हिस्सों में जो हिंसात्मक स्थिति हो गई है, राजनीतिकरण का जो प्रवेश हो गया है सेना में, जो राजनीतिकरण का प्रवेश हो गया है वो है जो उसे है जो हटाना होगा, और सेना को है जो स्टैंड अलोन कंट्री सेवर के रूप में है जो उसे है जो रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि दोस्तों है जो कहा जा रहा है कि अग्निपथ अग्निवीर जो बनेंगे, अग्निवीर जो बनेंगे 4 साल के बाद उनको 11,47,000 रुपये है जो उनको है देकर एक मुश्त है जो सेना से चले जाएंगे। जो 11 लाख रुपए जो होंगे दोस्तों उनको जीवन यापन करने के लिए है जो दोस्तों है जो ये आने वाला समय में उनके लिए है जो ये सही नहीं। इसमें कुछ और स्कीम्स को अगर जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से है जो बेहतरीन हो सकता है। यहाँ पर अवधि जो है या तो अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर कुछ और किया जाए, एक ऐसा एज तक पहुंचाया जाए ताकि वहां से है जो उनकी है जो दक्षता है जो सरकार है जो उसको यूज कर सके। अगर वो जॉब करके आते हैं और फिर पढ़ाई के क्षेत्र में मूव करते हैं तो वो ना सेना के दक्षता के लायक रह जाएंगे और ना ही आगे करियर को बना पाएंगे, दोनों है जो यहां पर डैमेज कर रहा है दोस्तों। ये तो कुछ ऐसी बातें हैं कि अवधि है जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, और अवधि को है जो अवधि के ऊपर है जो सरकार को कुछ काम करना चाहिए, ये है जो मेरा विशेष सजेशंस है, ताकि है जो इस वर्तमान परिस्थितियां में जूझ रही है युवा जो जूझ रहे हैं, रेलवे ट्रेन को है जो आपके हवाले कर रहे हैं वो कतई सही नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे से ही है जो उसका है जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सरकार बहुत मेहनत करके है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, इसीलिए है जो सरकार के इन बातों को है जो जरूर है जो आपको सुनना चाहिए। कुछ सकारात्मक वे में है जो हम बात करेंगे कि ये जरूरी क्यों हुआ, वर्तमान समय में क्यों जरूरी हो गया।
देखिए दोस्तों, जो सेना होती है किसी भी देश की, वो है जो आगे फ्रंट वॉरियर के रूप में जो काम करती है। देश की सुरक्षा में जो सेना होती है फ्रंट वॉरियर के रूप में जो काम करती है। हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहां पर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर म्यांमार की सीमा पर है जो हमेशा समस्या होती रहती है, तो निश्चित रूप से है जो वर्तमान में जो हमारी सेना की दक्षता जो है, जो चाइना की जो सेना है 20 लाख है, सरकार का मंशा है कि हम उसके आसपास 15 से 18 लाख के आसपास है जो हमारी सेना रहे, ताकि जो वर्तमान की स्थिति जो है उससे है जो निपटा जा सके। सरकार की सोच बहुत बढ़िया है, निश्चित रूप से इसको है जो करना चाहिए। दूसरी चीज की रोजगार भरसे बेरोजगारी, रोजगार भरसे बेरोजगार, कहने का अर्थ है कि आप अगर मान लीजिए कि सेना में अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 17 और 21 वर्ष में किसी को बेरोजगार निकाला सकता है। और सेना कोई रोजगार की चीज नहीं, सेना है जो दक्षता और अंदर से एक काम करने की जज्बा, धैर्य, सकारात्मक रूप से देश की सेवा करने की एक है जो सोच होती है, दिल से है जो उसकी है जो एक नई ऊर्जा है जो निकलती है देश के प्रति सेवा करने की। तो 17 से 21 वर्ष के लोग रोजगार के रूप में नहीं आते हैं, जब वो 10th या 12th करके निकलेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे तो उनकी उम्र 20 से 21 वर्ष होगी। तो कह रहे हैं कि हम बेरोजगार को रोजगार है जो कन्वर्ट कर देंगे। एक रोजगार जो होगा दोस्तों, एक अर्ध रोजगार के रूप में है जो इसे गिना जाएगा, इसको सेमी एम्प्लॉयमेंट के रूप में है जो गिना जाएगा, कुछ सालों का है जो उनको है जो रोजगार मिलेगा। और ये धीरे धीरे जब संख्या बढ़ती चली जाएगी, इस साल 45,000, अगले साल 45,000, अगले साल 45,000, जब ये संख्या जो बढ़ती चली जाएगी तो है जो समस्या है जो उसके ऊपर है जो आ सकती है। आंतरिक सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है दोस्तों। युवा है, युवा भटकाव के दौर में बहुत ज्यादा है जो चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से है जो वहां भी है जो समस्या का है जो सामना है जो करना पड़ सकता है। लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने देश की रक्षा करना और अपने देश के प्रति है जो दृढ़ता रखना एक है जो मानवीय सोल होता है जो कहीं ना कहीं है जो प्रेरित करता है। तो ये है जो ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जब विश्लेषण करते हैं तो आपको जरूर है उसमें जो रखा जा सकता है। दूसरी चीज की अगर और हम बात करें दोस्तों की सरकार को इमीडिएटली है जो इस पे है जो कमिटी बैठक बनानी चाहिए, कमिटी बनाकर है जो इसका है जो रिपोर्ट से जो गृह मंत्रालय को जो सौंपना चाहिए, रक्षा मंत्रालय को जो सौंपना चाहिए, हर चीज से इसमें है जो सभी डिपार्टमेंट्स को, आप भारत सरकार की बहुत सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, कौशल विकास योजना है, फिर शिक्षा मंत्रालय है, फिर जितने भी डिपार्टमेंट है इसको है जो एक खाका तैयार करना चाहिए सब डिपार्टमेंट मिलकर, कि अगर वहां से अगर 75% लौटते हैं तो मान लीजिए कि उसमें से 25% और है जो जॉब के लिए इच्छुक होंगे, या 20% है जो आप और है जो पढ़ाई के लिए आगे जाते हैं, तो सरकार को ऐसा बर्डन भी होगा कि हमें 20% से 25% को यहाँ जो आगे रोजगार देना है। और राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर एक आपसी सहयोग से है उसका एक है जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाए, 25 से 30% लोगों को ही आपको रोजगार आगे देना है। तो निश्चित रूप से इस पे है जो राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर है जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाए और इस पे है जो काम करे, निश्चित रूप से जो इसमें जो सफलता मिलेगी। सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। फिर अगर बात करें दोस्तों कि भारतीय सेना में जो राजनीतिकरण है वो कतई है जो सही नहीं है, इसे है जो भारतीय सेना को दूर रखना चाहिए। कल मैंने है जो बहुत सारे है जो इसके ऊपर है जो लेख पढ़े, जब मैंने पढ़ा तो अलग अलग तत्व जितने भी जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने है जो इसका है जो कहीं ना कहीं है जो खंडन किया है कि इस तरह की जो योजना है जो भारतीय सेना के लिए सही नहीं है। हमने कल बहुत सारे इसका आर्टिकल पढ़े, देखे कि क्या होना चाहिए, सबका अपना अपना है जो इससे हम किसी दूसरे देश से कंपेयर तो इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे देश की भौगोलिक और हमारे देश की है जो आंतरिक स्थिति कुछ अलग है अन्य देशों की अपेक्षा।
तो हमें है जो अपने देश के इसके अंदर फिजिबिलिटी स्टडी करके एक अध्ययन करके विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर है इसका अध्ययन करना चाहिए और उस अध्ययन का आधार जो है जो निर्णय लेने के लिए है जो कम से कम है जो सरकार है उस पर जो उचित समय है तो ठीक है। वर्तमान समय में कोविड से मार से भारतीय अर्थव्यवस्था है जो निश्चित रूप से है जो दोस्तों है जो नीचे आई है, सरकार के ऊपर बोझ भी बहुत है, सरकार को बहुत सारा काम भी करना पड़ता है, सेना में आधुनिकीकरण को बढ़ाने के लिए जो कैसे है जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये सब सही बातें हैं। लेकिन आप कुछ ऐसी बातें हैं जो ना करें, आपकी इतनी बड़ी जो संस्था है भारतीय सेना की आर्मी इंडियन एयरफोर्स इतनी बड़ी संस्था है उसमें है जो इस तरह की कुछ डिसीजन ना ले जिसे है जो युवाओं के मन में है जो एक गलत धारणा जाए। आज बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान सिकंदराबाद दिल्ली देश के विभिन्न हिस्सों में जो सरकार के प्रति जो नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ है उसको है जो सरकार है जो कमबैक करे, सरकार है जो लोगों के बीच सोचे, सरकार है जो निश्चित रूप से है जो काम कर सकती है। हमारी सरकार बहुत दक्ष सरकार है, हमारे लोकतंत्र बहुत दक्ष है, हम अपने लोकतंत्र समृद्ध लोकतंत्र को है जो कैसे आगे बढ़ाएं ये है जो हम कामना करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय लें। और आज इन्हीं बातों को लेकर है जो दोस्तों है जो अग्निपथ 2.0 जो सेकंड लेक्चर है इस पे है जो हम काम किए हैं और ये मेरा कतई है जो जो मेरा विश्लेषण है या कतई है जो किसी को भड़काना और किसी को उस पे काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपने एकेडमिक प्रोस्पेक्टस के अनुसार से है जो हम अपनी जो राय रखने का प्रयास किए हैं और निश्चित रूप से है जो इसमें अगर सरकार के तक अगर बात मेरी पहुंच रही है तो इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स जरूर होंगे, उसको है जो जरूर अमल करें और सरकार उसको लागू करे और जितने भी स्टूडेंट हैं जितने भी अग्निवीर बनने जा रहे हैं उनको उनका ये संदेश है कि आप जरूर है जो अपने मौलिक कर्तव्य जो है उस मौलिक कर्तव्य में है जो संपत्ति की सुरक्षा की बात की गई है आप उस मौलिक कर्तव्य को जरूर निभाएं। आप अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आपका संविधान है जो आपकी बात रखने का अधिकार देता है, तो निश्चित रूप से है जो आप अपनी बात रखें लेकिन शांतिपूर्ण अगर बात रखते हैं अहिंसात्मक बात रखते हैं तो आप है जो अपने विजन में जरूर कामयाब होंगे। हमारी संपत्ति को तोड़ने से है जो इसकी भरपाई जो नहीं हो पाती है उसको बनाने में कितना समय लगता है आप खुद सोचते होंगे, तो निश्चित रूप से जो सरकार अगर मेरी बात अगर पहुंच रही है वहां तक तो जरूर है इसको हम सकारात्मक नकारात्मक दोनों बातों को तो बात की। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, सोशल मुद्दा जो है इस पे जो हम बात करते रहेंगे, हम अपनी एकेडमिक प्रोस्पेक्टस से बात बताते रहेंगे, अच्छा लगता है तो दोस्तों इस वीडियो को जो जरूर है जो सरकार तक पहुंचाए आप जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।